लास्ट डे और हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले थे बीच साइड में, और आज चाय हम लोग रूम में नहीं बाहर ही पिए हैं। और ये देखो सामने हमारा होटल। आज भी सैंडविच और फ्रूट्स तो कॉमन था, इसके साथ साथ बहुत कुछ बना था और आज पूरी भी बना था। निकल गए हम लोग उदयपुर बीच के लिए। न्यू दीघा से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 3 किलोमीटर्स के आसपास ही है और 10-15 मिनट में पहुँच ही जाते हैं। यहाँ पे लाइक यहाँ का खासियत ही ये है कि बीच के बगल में बस टेबल चेयर लेके बैठो और चिल मारो, खाना खाओ। तो हम लोग भी वही करने आए हैं। एंड आज मौसम थोड़ा सा मुझे पता नहीं गर्म कम लग रहा है, तो चलो देखते हैं क्या क्या किया जाता है यहाँ पे। यहाँ का लाइक वाइब ही अलग है, सब पारी शाड़ी चलती है इधर। अब लेट्स सी कौन सा साइड चूज करके एक साइड में बैठेंगे एंड देन देयर विल बी फन, स्टे विद मी। एंड मस्ती तो करने वाले हैं। यहाँ पे टेबल बुक करके आप बैठ जाओ, जगह चूज़ कर लो और टेबल चेयर लगवाने बोल दो। तो हम लोग भी बैठे थे सामने, लेकिन और थोड़ा आगे जाना है, वो पानी के नज़दीक जहाँ पे लोग बैठे हैं वहाँ तक जाना है। तो हम लोग चेयर वगैरह आगे करवा रहे हैं और बहुत कुछ ऑर्डर भी किए हैं, खाना सी फूड्स भी खा रहे हैं सब, मैं और पापा छोड़ के हम दोनों ही नहीं खाते हैं। देखो ये लोग सारा केकड़ा चबा के ख़त्म कर दिया। फिर हम लोग थोड़ा फ़ोटो क्लिक किए, सामने ही थे, ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि यहाँ का पानी उतना खास नहीं लगता, बोल सकते हो कि गंदा ही है। और शेल्स वगैरह स्टार फिश सब पैर में चुभ रहा था, इसीलिए और भी नहीं गए हम लोग ज़्यादा दूर। डे 1 एंड डे 2 का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं स्क्रीन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। रेस्ट लेने के बाद इवनिंग को हम लोग ओल्ड दीघा आए हैं। यहाँ का मार्केट में घूम रहे हैं, कुछ कुछ सामान खरीदना था तो इसलिए हम लोग आए हैं। ओल्ड दीघा न्यू दीघा दोनों जगह ही बहुत बड़ा मार्केट है। सभी ओल्ड दीघा में आए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है और सिर्फ मछली का स्मेल आ रहा है जो कि मुझे एकदम पसंद नहीं है। चलो उधर चलते हैं, थोड़ा देखिए कुछ बैठने का जगह या कुछ बाय बाय खाने का मिले तो। जो लोग को सी फूड्स सी फिशेस पसंद है ये जगह उनके लिए है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ प्रॉन्स खा सकती हूँ इसमें से मैं। बीच के साइड में ये वाला प्लेस लुक्स रियली नाइस, खाली खाली सा है, मतलब बीच के साइड में थोड़ा वहाँ क्राउड ज़्यादा है और ये एकदम खाली है, फुल बैठ के रिलैक्स करो चिल करो, तो मुझे ये प्लेस काफ़ी पसंद आया। एंड यू कैन सी पीछे लाइटिंग वगैरह भी अच्छा किया हुआ है सब, एंड बैठने का जगह भी है काफ़ी सारा, गार्डन टाइप का बना है, अच्छे से डेकोरेशन किया है। और यहाँ पे कुछ फूड कोर्ट वगैरह भी है, वाव मोमो भी है और बहुत कुछ खाने का भी जगह है, तो नाइस, आई लाइक दिस प्लेस। सफ़र यही तक था, अब जा रहे हैं वापस न्यू दीघा, फिर हम लोग डिनर करेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे और चले जाएंगे रूम क्योंकि कल सुबह सुबह हम लोग को चेकआउट करना है। सो ट्रिप ख़त्म, जा रहे हैं घर, बहुत इंजॉय किए 3 दिन, फिर करेंगे पता नहीं कब, लेकिन बहुत जल्दी आउच लग गया। सो अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन बाय बाय।